पेज लेआउट पर जाएंगे, साइज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मोर पेपर साइज पर क्लिक करेंगे। वेथ यहाँ पर 8.5 रखेंगे और हाइट यहाँ पर 10 रख के यहाँ पर ओके करेंगे तो ये पेज बनकर आ जाएगा। इसके बाद डिजाइन पर जाएंगे और यहाँ पर पेज कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फाइल इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टू कलर्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से व्हाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इस डिजाइन को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये पेज कलर होके आ जाएगा। इसके बाद इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ से वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फुटबॉल टूर्नामेंट टाइप कर देंगे। होम पर जाएंगे और यहाँ से इसका फॉन्ट स्टाइल थोड़ा चेंज कर देंगे, पेज के अनुसार इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और टूर्नामेंट टेक्स्ट को नीचे ले आएंगे। इसके बाद इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। फॉर्मेट पर जाएंगे और यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे और यहाँ से मैं इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से फॉर्मेट पर जाएंगे, ग्लो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इंसर्ट पर जाएंगे, पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इस पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ से वार्प टेक्स्ट पर क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे और इसको इस कोने पे ले आके इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा और इस कॉपी को भी इस साइड पे ले आके एडजस्ट कर देंगे। फिर से इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ से मैं इस पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ और इसको भी मैं पेज के अनुसार इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। और इसको एडजस्ट करने के बाद फिर से इंसर्ट पर जाएंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इस शेप्स को इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ से शेप फिल पर क्लिक करके इसका कलर मैं ब्लू कर लेता हूँ। शेप आउटलाइन पर क्लिक करके नो आउटलाइन कर लेंगे। इसके बाद इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। फिर से इंसर्ट पर जाएंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस शेप्स को इंसर्ट कर लेंगे। इसके ऊपर राइट क्लिक करके एड टेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं एंट्री फी 100 डाल देता हूँ और इसकी डिज़ाइन कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद फॉर्मेट पर जाएंगे, शेप फिल पर क्लिक करके नो फिल कर लेंगे। शेप आउटलाइन भी यहाँ पर नो आउटलाइन कर लेंगे। इसके बाद इसको कुछ इस तरह से रोटेट करके एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके दोनों शेप को सेलेक्ट करेंगे, फिर इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और शेप्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इस शेप्स को इंसर्ट कर लेंगे। शेप फिल पर यहाँ पर ब्लू कलर कर लेंगे, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन कर लेंगे। इसके बाद इसको कंट्रोल प्रेस करके कॉपी कर लेंगे और राइट क्लिक करके एड टेक्स्ट करेंगे। इसकी फॉन्ट स्टाइल थोड़ा चेंज करके फॉन्ट साइज बड़ा कर लेंगे और
कलर व्हाइट कलर रख लेंगे और यहाँ पर डेट और स्टेडियम का नाम डाल देंगे। फिर यहाँ पर इसको थोड़ा इस तरह से बड़ा कर लेंगे पेज के अनुसार। फॉर्मेट पर जाकर शेप फिल नो फिल कर लेंगे, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन कर लेंगे। इसके बाद इसको थोड़ा इस तरह से पेज के अनुसार एडजस्ट कर लेंगे। फिर से इंसर्ट पर जाएंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस शेप्स को इंसर्ट कर लेंगे और इसको पेज के अनुसार इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। शेप फिल पर क्लिक करके व्हाइट कलर रख लेंगे और शेप आउटलाइन यहाँ पर ब्लू कर लेंगे। फिर से शेप आउटलाइन पर क्लिक करके वेट यहाँ पर 3 फीट कर लेंगे। फिर से इंसर्ट पर जाकर शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस शेप्स को इंसर्ट कर लेंगे और इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद शेप फिल पर क्लिक करके ब्लू कलर कर लेंगे और शेप आउटलाइन यहाँ पर नो आउटलाइन कर लेंगे। इसके बाद कंट्रोल प्रेस करके दोनों शेप को सेलेक्ट करेंगे और माउस से ड्रैग करके कॉपी कर लेंगे। फिर से इंसर्ट पर जाके इस शेप्स को इंसर्ट कर लेंगे। शेप फिल नो फिल कर लेंगे, शेप आउटलाइन यहाँ पर नो आउटलाइन कर लेंगे। इसके बाद राइट क्लिक करके एड टेक्स्ट कर लेंगे और साइज यहाँ पर बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर प्राइजेस स्लैश अवार्ड लिख के इसको थोड़ा इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। फिर कंट्रोल प्रेस करके कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर इस शेप्स को कंट्रोल प्रेस करके कॉपी कर लेंगे और कलर यहाँ पर ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ से इस स्टाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपनी सबसे कुछ प्राइजेशन अवार्ड डाल देंगे। इसके बाद कंट्रोल प्रेस करके इस शेप्स को भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर भी अपने हिसाब से रूल्स डाल देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये रेडी हो जाएगा। इस तरह से आप टूर्नामेंट पोस्टर को बना सकते हैं एमएस वर्ड पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।